हे माता दी, आज मैं नित्य कर्म के विषय में कुछ मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। आप सबको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ब्रह्ममुहूर्त में उठना अति अनिवार्य है, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। विशेष करके हमारे समाज की समस्त नारियों के लिए बातें अहम बातें हैं, बहुत अनिवार्य है। जो सुबह 7 बजे तक सोकर उठती हैं, उनके लिए बहुत ही ऊंची बात बताने जा रहा हूं, जिससे कि क्योंकि घर की लक्ष्मी कही जाती है और लक्ष्मी का कर्तव्य सुबह होते ही उनको 4 बजे पहले उठ जाना चाहिए। हो सके तो 4 बजे, ना हो सके 5 बजे के पहले उठ जाना चाहिए। बिस्तर त्याग दिया, बिस्तर त्यागने के बाद झाड़ू, घर की सफाई करने के बाद रंगोलियां बनाएं गेट पर और तुलसी माता की पूजा करें, धूप दीप कर दें और सूर्य भगवान की एक लोटा जल प्रदान करें, अर्घ दें, क्योंकि इसको करने से उनके घर में उनके पति, उनके बच्चे और उनके घर में किसी की बुद्धि विवेक में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। आप घर पे पहला मेहमान आने वाला सिर्फ सूर्य भगवान की किरणें होती है। हर मनुष्य के, हर प्राणी के घर द्वार पे सूर्य भगवान किरणें पहले पहुंच जाती है, वो पहला मेहमान आपके घर पे आने वाला आगंतुक होते हैं। और आने के बाद देखते हैं कि नारियां उनके आने के पहले साफ सफाई नहीं होती है, देखते उनके स्वागत के लिए कुछ नहीं करके रखती हैं, तो श्रापित करके चले जाते हैं, नाराज होकर चले जाते हैं। इसलिए उनके घर में उनके लड़कों की बुद्धि विवेक खराब हो जाती है, गलत कर्म करना चालू कर देते हैं, गलत संगत करना, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, पति जा रहा पति काम पे कोई गड़बड़ी हो जाती है और उनके खुद दिमाग में तमाम प्रकार की गलत ध्यान उत्पन्न होने लगती है। ये सूर्य भगवान की श्राप देने की वजह से ही होता है। सूर्य अर्घ न देने की वजह से सुबह न उठने का प्रायश्चित इंसान को भोगना पड़ता, पूरा दिन तुम्हारा बेकार हो जाता है। इसलिए आप घर में यदि लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, यदि पति की और बच्चों के सुख शांति समृद्ध विकास के लिए आपको करना है, तो हमारे देश की सारी नारियों को ये धर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, नित्य कर्म करें कि सुबह सूर्य निकलने के पहले उठ करके अपना झाड़ू पोछा करके एकदम घर को, नहीं तो उनके जीवन में, उनके पति के जीवन में, उनके विकास में औरत हो आना तो अनिवार्य ही हो जाता है। और आज देखें यही सब हो रहा है। जैसे जैसे इंसान अपने धर्म को छोड़ता जा रहा है, वैसे वैसे अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। फिर बाद में कहते हैं कि बाबा जी, भगवान, तमाम देवी देवताओं को पूजा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो इसलिए ऐसा न करके आप नियम का पालन करें तो आपके जीवन से शांति होती रहेगी, घर का परिवार विकास होता रहेगा, लक्ष्मी जी का वास होगा, क्योंकि सूर्य भगवान बुद्धि के देवता है। जब बुद्धि सही रहेगी आपका सारा कार्य सही होगा, और बुद्धि सही नहीं रहेगी तो आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। जय माता दी।